तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के। कॉल रिकॉर्डिंग को बहुत सारे लोगों को समस्या है कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं और उसका रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनाउंसमेंट होता है कि दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग, ऐसे कुछ सुनने को मिलता है। तो जब भी किसी का कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो अगले आदमी को पता चल जाता है कि आप किसी को कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल में दिखा देते हैं कि कैसे वो कॉल रिकॉर्डिंग होता है और कैसे अनाउंसमेंट होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम कोई भी नंबर एक ठो डायल करके हम दिखा देते हैं। जैसे मैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वेलकम टू जियो। नमस्कार, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। हम जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए, वीडियो देखते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए धीमी गति जैसे समस्या का सामना कर रही है। तो दोस्तों ऐसे ही उसको पता चल जाता है कि अगले आदमी को कि उसका आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे उसको पता चल जाता है। तो इसको बंद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है जो आप अपनाएंगे, आप किसी भी फ़ोन में कर सकते हैं। आपके पास गूगल डायलर है, अगर अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसको आप आसानी से बंद कर सकते हैं। चालू करेंगे तो आपको छोटा सा एक बीप का आवाज़ आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अगले आदमी को पता नहीं चलेगा कि आप उसको कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको सेटिंग करने के लिए सबसे आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक कर देना है कॉल हिस्ट्री के, और सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को आपको चूज नहीं करना है। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे चले जाना है, प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको मैसेज शो करेगा जो आपको इसको पढ़ लेना है। यही बोलेगा कि आपका जो भी किसी का कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो आप भी काम आ जाएगा, उसी का ये कॉन्टेक्ट मैसेज है। तो इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद फिर आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आप उसको डायल कीजिए, किसी का भी कॉल रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं। नमस्कार, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। हम जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए, वीडियो देखते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए धीमी गति जैसे समस्या का